नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के मुख्य समाचारों में हम बात करेंगे चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी जीत की। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को मिली नई जिम्मेदारी की। राजस्थान में सच हुई पीएम मोदी की भविष्यवाणी की। कांग्रेस की हार के मुख्य कारणों की बात करेंगे। इजराइल हमास युद्ध पर यूएस उपराष्ट्रपति के बयान की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में बीजेपी की यही जीत 2024 के लोकसभा चुनाव में इसके हार का कारण बनेगी। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की हुई बंपर जीत। तेलंगाना में कांग्रेस ने केसीआर को दी पटकनी। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने पर प्रधानमंत्री बोले, मैं जनता के सामने नतमस्तक हूँ। मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी पूरी होगी। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं बिका मोहब्बत की दुकान का माल। यूपी के डिप्टी सीएम का राहुल गांधी पर तंज। बोले, यूपी में मोहब्बत की दुकान के फुटकर व्यापारी सपा बहादुर अखिलेश यादव संग। पीएम मोदी की अपील, शाह की अचूक रणनीति और लाडली बहना ने एमपी में किया कमाल। मध्य प्रदेश के नतीजों पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। राजस्थान में कायम रहा रिवाज, भाजपा को मिला पूर्ण बहुमत। सीएम गहलोत ने दिया इस्तीफा। स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष समेत 17 मंत्री खारिज। वसुंधरा राजे बोली, मोदी की गारंटी की हुई जीत। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस आलाकमान ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। हिमाचल के बाद राजस्थान को ऑब्जर्वर किया नियुक्त। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। बीजेपी कार्यालय में बोले पीएम मोदी, कहा इन चुनाव के नतीजों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बेटा बना चपरासी। सिविल कोर्ट में फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन। कहा, पिता राजनीति में तो जरूरी नहीं कि मैं भी रहूं। इजराइल हमास युद्ध पर यूएस की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जताया दुख। बोली, इस युद्ध में कई निर्दोष फिलिस्तीनी मारे गए। बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने फूका बिगुल। 40 सीटों पर की प्रभारियों की सूची जारी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा, मोदी है तो मुमकिन है चुनावी नतीजों के बीच बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सनातन का विरोध और जातीय राजनीति का मुद्दा देश को स्वीकार नहीं। वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद ने बताए कांग्रेस की हार के दो कारण। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के गवाह सत्यम शर्मा को मिली धमकी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से सिर तन से जुदा करने का मिला लीडर। हिमाचल के सीएम सुखू ने 288 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में 220 करोड़ की लागत से बनेगा सौर ऊर्जा संयंत्र। तेलंगाना की कामारेड्डी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमना रेड्डी ने मुख्यमंत्री केसीआर को दी 6000 वोटों से मात। पहली बार बनेगी कांग्रेस की सरकार। किसी की औकात नहीं है कि बिहार में मदरसे को बंद कर दे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश सरकार के मंत्री मुरारी गौतम ने किया पलटवार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की अब खैर नहीं। सर्दियों में और तेज होंगे आतंक रोधी अभियान। इंटरनेट पर फैलाई विरोधी बातें तो होगी कार्रवाई। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष को बुके देने पर डीजीपी सस्पेंड। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के खिलाफ माना। साथ ही दो अन्य आईपीएस अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के आए तूफान की, क्योंकि तेलंगाना को छोड़ बीजेपी ने बाकी तीन राज्यों में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। ऐसे में क्या रहा है बहुमत का प्रतिशत और दिग्गजों ने क्या दी है प्रतिक्रिया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रविवार 3 दिसंबर 2023 को चार राज्यों के आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस ने इतिहास रचा है। आंकड़ों की बात करें तो तेलंगाना की 119 सीटों में कांग्रेस ने 64, बीआरएस ने 39, बीजेपी ने 8 और एआईएमआईएम ने 7 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में बीजेपी को 54, कांग्रेस को 35 और एक सीट अन्य को हासिल हुई है। राजस्थान की बात करें तो कुल 199 विधानसभा सीटों में करीब 115 बीजेपी, 69 कांग्रेस और 15 अन्य उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इसके
इसके अलावा मध्य प्रदेश की 230 सीटों में कांग्रेस ने 65 से अधिक और बीजेपी ने 160 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की है। चार राज्यों के इन चुनावी परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को मिले इस प्रचंड बहुमत को देखते हुए कल शाम को पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। क्या कहा है पीएम मोदी ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की विजय ऐतिहासिक है, सबका साथ सबका विकास की भावना की जीत हुई है, विकसित भारत के आह्वान की जीत हुई है, आत्मनिर्भर भारत की जीत हुई है, आज भारत के विकास के लिए राज्यों के विकास की सोच की जीत हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस हैट्रिक ने 2024 के लोकसभा चुनाव की हैट्रिक की गारंटी दे दी है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जन समर्थन है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि कुछ परिवारवादी के एक मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी आ जाए, लेकिन देश का भरोसा जीता नहीं जा सकता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्रीय सेवा का जज्बा होना चाहिए। नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। जिन सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया वो सत्ता से बाहर हुई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना इसका उदाहरण है। इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैठे दल सरकार से बाहर है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इनका सूपड़ा साफ हो गया है, मैं हमेशा भविष्यवाणी से दूर रहता हूँ, लेकिन इस बार मैंने अपना नियम तोड़ दिया था। मैंने कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि मेरा लोगों पर भरोसा था। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में समाज को जातियों में बांटने की खूब कोशिश हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये है हमारी नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब परिवार। इन चार जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में ओबीसी और आदिवासी इस जाति में आते हैं। तीन राज्यों के दो तिहाई बहुमत से बीजेपी खुश है, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक यह खुशी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। जी हाँ, ये दावा किया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने। तो क्या कहा है उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तीन राज्यों में बीजेपी के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ठीक 20 साल पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त हमें सिर्फ दिल्ली में जीत मिली थी, लेकिन कुछ ही महीनों में जोरदार ढंग से वापसी करते हुए कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और केंद्र में सरकार बनाई। आशा, विश्वास, धैर्य और दृढ़ संकल्प साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यह जनादेश हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं, विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। तेलंगाना के लोगों को मेरा बहुत धन्यवाद, प्रजालू तेलंगाना बनाने का वादा हम जरूर पूरा करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार के बाद सीएम अशोक गहलोत ने लिखा, हमें जैसी उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए हैं, हम नतीजों की समीक्षा करेंगे, मैं अंतिम सांस तक जनता की सेवा करता रहूंगा। तीन राज्यों में कांग्रेस की हार के पीछे आपको कौन से दो बड़े कारण लग रही हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और देश की महत्वपूर्ण खबरों की तुरंत अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन करें और ट्विटर फेसबुक पर हमें फॉलो करें, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।